हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं कि ओवुलेशन के तुरंत बाद प्रेग्नेंट होते ही बॉडी में क्या क्या चेंजेस नज़र आते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ओवुलेशन के तुरंत बाद बॉडी में कुछ बदलाव आते हैं जिससे आप पता लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो लेडीज कंसीव करना चाहती है उनके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आपका जो ये ओवुलेशन पीरियड होता है वो कब होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसके बाद आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं जिससे आप पता लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है। देखिए, जैसे ही ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन का मतलब क्या होता है, अंडे का फूटना। तो जैसे ही अंडा फूटता है उसके बाद वो क्या करता है, वो फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है और वहाँ पककर तैयार हो जाता है। इसके बाद जब ये अंडा फैलोपियन ट्यूब से फर्टिलाइज होता है तब क्या होता है, इसके बाद इस फर्टिलाइज होने के बाद 5 से 6 दिन के बाद ये बच्चे दानी में जाकर चिपक जाता है, जिसकी वजह से जब ये चिपक जाता है जिसकी वजह से आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको पता होनी चाहिए। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या हो, कैसे आप पहचानेंगे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको हो गई है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है वो एक तो रुक रुक कर होगी, जो आपको लगता है, कभी कभी आपको लगता है कि वो आपको पीरियड हुए हैं लेकिन वो पीरियड नहीं होते हैं, वो आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। इसका एक लक्षण है, एक तो ये रुक रुक कर होगी, आपको बीच बीच में हल्का हल्का सा ब्लड आएगा और रेगुलर आपको ब्लड नहीं आएगा। दूसरा, आप पहचान सकते हैं इसको कि इसका कलर या तो डार्क रेड होगा या फिर इसका कलर भूरे कलर का होगा। तो ये दो आपके इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के सिम्टम हो गए। तीसरा, आपका बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, हाई हो जाएगा। चौथा आपका होता है, आपका उस टाइम पे जीभ मचला सकता है, उल्टी आपको आ सकती है। पांचवा, आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है क्योंकि हार्मोन चेंज होते हैं जिसकी वजह से आपका पेट खराब हो सकता है। इसके अलावा नंबर 6 होता है बार बार पेशाब का आना, आपको बार बार पेशाब आ सकता है। इसके अलावा नंबर 8, पैरों में दर्द आपको हो सकता है। नंबर 9, पेट में दर्द आपको हो सकता है। और नंबर 10, ब्रेस्ट में आपको चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने के बाद आपकी बॉडी में ये सारे चेंजेस आते हैं, क्योंकि जब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोन जो होते हैं वो बनते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो इम्प्लांटेशन के बाद अगर आपको ये सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है आप प्रेग्नेंट हैं। तो आपको क्या करना है उसके बाद, आपको कम से कम जो आपके पीरियड डेट है उसके पीरियड डेट के 1 वीक के बाद आपको अपना टेस्ट लगाना है। आप किट से या फिर आप लैब में जाकर अपना टेस्ट करा सकते हैं जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं।